हाइवा ट्रक मैकेनिक हेल्पर झुमरी तिलैया की आपात बैठक रविवार को शहर के बाईपास रोड में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा नेता सह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी यादव रमेश, हर्षधर एवं प्रेम प्रकाश, शंकर यादव, मनोज यादव, गुड्डू सिंह, राजेश यादव मौजूद थे। बतौर मुख्य अतिथि यादव रमेश हर्षधर ने कहा कि महाराणा प्रताप चौक से लेकर इंदरवा चौक तक हजारों की संख्या में मजदूर काम करते हैं, जिसमें ग्रीसिंग, पंचर एवं इंजन रिपेयरिंग सहित अन्य कई कार्य किए जाते हैं और अपना पेट पालते हैं। प्रशासन की ओर से बिना सूचना दिए 11 मजदूरों पर FIR कर दिया गया है। दिहाड़ी मजदूरों पर FIR कर प्रशासन ने गलत किया है। 2 साल के लॉकडाउन के बाद प्रशासन ने गरीबों पर दोहरी लाठी मारने का काम किया है। प्रशासन पहले ट्रक हाइवा मैकेनिक के लिए उचित व्यवस्था करे। दिहाड़ी मजदूर संविधान को मानने वाले हैं, ना कि कानून को तोड़ने वाले। यादव रमेश हर्षधर ने कहा कि प्रशासन बताए आखिर दिहाड़ी मजदूर ट्रक हाइवा रिपेयर करने के लिए कहां जाए। साथ ही उन्होंने प्रशासन से अपील कर कहा है कि ट्रक हाइवा मजदूरों के साथ न्याय उचित कार्रवाई करें, नहीं तो हजारों मजदूर सड़क पर उतर कर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं मैकेनिक राजू यादव ने कहा कि प्रशासन बिना किसी पूर्व सूचना दिए गाड़ियों का फोटो खींचकर हजारों रुपये का फाइन वसूल करती है। मंगलवार को गैरेज बंद होने पर प्रशासन की टीम हेल्परों से गैराज मालिकों का नाम पूछकर चली गई और बाद में प्राथमिकी दर्ज कर दिया गया है। इस मौके पर सभी मजदूरों ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मौके पर मोहम्मद सरफुद्दीन, मोहम्मद सरफराज अहमद, बिरजू यादव, राजू यादव, सिकंदर यादव, नीरज कुमार, राकेश कुमार, राम प्रसाद यादव, सुरेंद्र मिस्त्री, महेश यादव, कमलेश यादव, सुनील राय, मोहन साव, सुरेश यादव समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। महाराणा प्रताप चौक से लेके इंदरवा चौक तक हजारों मजदूर और मिस्त्री लोग का पेट चलता है। कोई ग्रीसिंग करता है, कोई मारे पंचर का काम करता है और इसी तरह बहुत सा काम है। प्रशासन की ओर से जबरन ये लोग को सूचना भी नहीं दिया गया, जबकि नियमता ये है कि अगर आप किसी पर केस करते हैं तो उसको पहले आप सूचित करिए कि भाई आपके द्वारा ये गलत ढंग से कार्य किया जा रहा है, इसको आप मैंने इस पर सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। प्रशासन इसका पूर्व में कोई सूचना ना दिया और 11 लोगों पर जो मजदूर लोग हैं, जो एकदम प्रत्येक दिन कमाते हैं तो उसका पेट और परिवार चलता है, वैसे लोगों पर केस करके प्रशासन ने गलत किया है। और इस जो प्रशासन के द्वारा किया गया, आज उसी के निमित्त आज बैठक किया गया और बैठक में पूरे मजदूरों के द्वारा पुरजोर ढंग से प्रशासन का विरोध किया गया। मैं प्रशासन से ही मांग करता हूं कि इस पर कार्रवाई करने से पहले आप जरा सा मानवता के आधार पर सोचे रहते कि भाई इसका पेट और परिवार कैसे चलेगा। ऐसे गरीब लोग 2 साल कोरोना से मरा, 3 साल परेशान रहा, परिवार और पेट चलाने के लिए लोग का आफत रहा और आज जगह भी इनका मुहैया नहीं करा रहे हैं। और अगर ये लोग कमाई कर रहे हैं तो इस पर आप रोक लगा रहे हैं। बाईपास तो नियमता बनना चाहिए, ओवर ब्रिज बनना चाहिए, ओवर ब्रिज बना के ना ये हाईवे में तब्दील कर दिया और लोगों का पेट और परिवार पर लात मारने का काम प्रशासन के द्वारा किया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। इसका जितना भी निंदा किया जाए कम है। अगर प्रशासन नहीं चेतता, अगर प्रशासन इस पर दोबारा अगर इन लोगों पर केस करेगा तो हम लोग रोड जाम कर देंगे या प्रशासन को ईंट से ईंट बजा देंगे अगर प्रशासन इस पर। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।